नमस्कार दोस्तों, इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं हकलाने की। क्या है कि हकलाने की बड़ी शिकायत आ रही है। पहले वीडियो बनाए थे 2-3 साल पहले, लेकिन इधर बड़ी कंप्लेंट आ रही है कि हकलाने की दवा बताइए। बहुत से लोगों का कमेंट आया है, तो हमने कहा कि एक बार बताते हैं इस बारे में, फिर से बता देते हैं। इसमें स्ट्रामोनियम दवा दी जाती है हकलाने में, जब हकलाहट की ये मुख्य दवा है। एक शब्द बोलने के लिए काफ़ी जोर लगाना पड़ता है, यह दवा काफ़ी समय तक देनी पड़ती है। बोलने के लिए बहुत काफ़ी मुंह टेढ़ा करना पड़ता है, तो ये स्ट्रामोनियम दवा चलती है। और इस दवा को जो है 2-3 महीने तक दे देना चाहिए 30 पोटेंसी में। और अगर ये दवा काम नहीं करती है तो फिर हमें इसकी जगह दूसरी दवा ट्राई करनी है, उसका नाम है हायोसियामस। जब स्ट्रामोनियम फेल हो जाए तो हायोसियामस दवा देनी चाहिए 30 पोटेंसी में, दिन में 3 या 4 बार लगातार 15-20 दिन या 1 महीने तक। इसके अलावा कुछ और दवा बता रहा हूँ, बच्चों में हकलाना तो बोविस्टा दवा देनी चाहिए, बोविस्टा 30। काली ब्राउन भी एक दवा हकलाने की है, धीरे धीरे हकलाना व बोलने में दिक्कत, काली ब्राउन 30 ट्राई कर सकते हैं, काली ब्राउन 30। इसके बाद एक दवा है कल्केरिया कार्ब, लंबी जुबान तथा भारी एवं कठोर कंबे वाली लोगों का हकलाना, इसको इस दवा को CM पोटेंसी भी दिया जाता है, यानी कि इसकी एक डोज आप जो है 15-20 दिन के पहले दोबारा नहीं ले सकते। आज लिया 5-5 बूंद 10-10 मिनट के अंतर 3 बार, फिर उसके बाद जो है 1-8 महीने बाद या 20-25 दिन बाद 20 दिन के बाद ही लीजिए। इस तरीके से इस दवा को दोबारा दूसरी बार इतने दिन बाद ले सकते हैं। इसके बाद है नेट्रम कार्ब, जबान के भारी होने के कारण हकलाहट। अगर आपको लगता है कि जबान भारी होने की वजह से हकलाहट आ रही है तो नेट्रम कार्ब दवा यूज़ करनी चाहिए। इसके बाद है साइक्यूटा वी, जब बीच बीच में शब्द खा जाता है, कभी कभी बोलते बोलते बीच का एक शब्द खा जाता है, तो ये दवा दी जाती है। कॉस्टिकम, जब उत्तेजना या परेशानी के कारण हकलाहट शुरू हो जाती है या जीभ पर फालिज जैसी स्थिति हो जाती है तो कॉस्टिकम दवा दी जाती है। इसके बाद है अर्जेंट नाइट्रिक लाइकोपोडियम विराट्रम एल्बम, जब हकलाहट टाइफाइड ज्वर के कारण हो तो ये तीनों दवा चलती है सुबह दोपहर शाम 10-10 मिनट के अंतर से। इसके बाद है लेकेसिस, जब हकलाहट का मुख्यतः APSTVX अक्षरों पर हो, केवल इन्हीं अक्षरों पर ज़्यादा हकलाहट होती है, APSTVX, जब इन अक्षरों पर ही हकलाहट हो तो लेकेसिस दवा देनी चाहिए। इसके बाद है सीड्रॉन, औरतों में संभोग के बाद हकलाहट आ जाती है, संभोग किया उसके बाद हकलाने लगी, ऐसी औरतों को सीड्रॉन दवा देनी चाहिए तो उनकी ये शिकायत दूर होगी। इसके बाद है ब्यूफोराना, हकलाहट और रुक रुक कर बोलना, ऐसा रोगी अस्पष्ट बोली के न समझे के कारण गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, तो ये दवा ट्राई करनी चाहिए, ब्यूफोराना 30। तो दोस्तों ये कुल हकलाहट की दवा है जो हमने आपको बता दी है, आप अपने लक्षण अनुसार इसे ट्राई कर सकते हैं या सभी दवाओं को बारी बारी करके ट्राई करके अपनी हकलाहट दूर कर सकते हैं। इस तरीके से क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था हकलाने की दवा, तो हमने कहा आज बता दें, तो मेरी शुभकामना है कि आपके हकलाहट दूर हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।